समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजसुनन्तु सगमोकदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सब्बे सत्ता कम्मसखा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्सदायदा भविष्यन्ति साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध द्वारा देशित सुप्रतिपन्न आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याण होने वाला धम्म को त्रिवार वंदना करता हूँ। तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सुप्रतिपन्न भिक्षु संघ को भी त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धावान धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले बुद्धिज्म। तथागत भगवान बुद्ध ने जिस धर्म के विषय में उपदेश दिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी को हम बुद्धिज्म कहते हैं, बुद्ध वचन कहते हैं। बुद्ध वचन, बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों को हम बुद्ध वचन कहते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म और विनय कहते हैं। सबसे पहले तो धम्म और विनय के रूप में तथागत बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया था, मगर सम्राट अशोक के समय में आते आते अरहत भिक्खु मोग्गलीपुत्र तीर्थस्थावीर ने संगायना करके सारे बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। आज के समय में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में सारे बुद्धवाणी संग्रहित है। हम इसको आधिकारिक भी मानते हैं, प्रामाणिक भी मानते हैं, क्योंकि इससे पुराना कोई बुद्ध वचन है ही नहीं। इसलिए एक बात ये भी याद रखिए, जो समझते हैं बाबा साहब के भगवान बुद्ध अनित्यानंद धम्म, द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये ग्रंथ पढ़ के लगता है कि मैं बुद्धिज्म में एक्सपर्ट हो गया हूँ, मुझे सारा आ गया, सारा पढ़ना हो गया, ऐसा जो समझते हैं उससे थोड़ा आगे निकलिए। बाबा साहब ने जिस धम्म की दीक्षा ली थी, वो धम्म का मूल ग्रंथ जो त्रिपिटक है ना, वो भगवान बुद्ध ने ध्यान से धम्म जो ग्रंथ है, ऐसे 45 ग्रंथ है, कितना 45 ग्रंथ। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर शुद्ध पिटक में आता है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, फिर खुदक निकाय में खुदक पाद, शुद्ध निपात, धम्म पाद, ऐसे 18 ग्रंथ आता है। विनय पिटक में 5 ग्रंथ आता है, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ आता है, वो 7 ग्रंथ को भी फिर अलग अलग छोटे छोटे ग्रंथ में ऐसा बहुत सारा विभाजन किया हुआ है। इसलिए एक चीज ये भी याद रखेगा, सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध
बार बार श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को बोलते थे, यो तम मंग पश्यति सो मंग पश्यति। बुद्ध कौन कैसे देख सकता है? लोग बुद्ध को देखने के लिए न जाने सुबह शाम कितने बुद्ध मूर्ति के सामने माथा देखते रहते, न जाने लुम्बिनी कुशीनगर बुद्ध गया श्रावस्ती सारनाथ कितने कितने चारों धाम में तीर्थयात्रा करते रहते। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, यो धम्म पश्यति, जो धम्म को देखेगा सो मंग पश्यति, वो बुद्ध को देखेगा। कभी भी अगर बुद्ध को देखना चाहते हैं, सही मायने में धम्म को देखो। तथागत बुद्ध ने जिस धम्म का उपदेश दिया, जिस धम्म और विनय का उपदेश दिया, उसको अच्छे से पहचाना, समझ लिया, तो बुद्ध को देखना हो गया। यो गिलानंग उपत्थाति सो मंग उपत्थाति, जो बीमारियों को सेवा करता है वो बुद्ध को सेवा करना समान हो जाएगा, हो जाता है। बीमार देखे तो अरे गंदा, अरे कैसा कैसा करके दूर दूर हो जाता है। स्वयं तथागत बुद्ध भी जब एक भिक्षु तिस्स भिक्षु बहुत बीमार होके सद रहा था, बुद्ध स्वयं पहुंच के उनकी सेवा किया, उनको उपदेश दिया। और तब बुद्ध ने कहा, जो बीमारियों को सेवा करता है वो बुद्ध की सेवा करना समान है। बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंग आतब्बो अखा तारो तथागता। तथागत कौन है? जो राह दिखाता है, मार्ग प्रदर्शन करता है। जाना हमें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है, जाना हमें ही है। हर किसी का टारगेट है दुख मुक्ति, हर किसी का टारगेट है मार्ग फल, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अर्ह। मगर बुद्ध को सुबह शाम पूजा करने से, सुबह शाम पाठ करने से, सुबह शाम भक्तिभाव करने से बुद्ध प्रसन्न होके, अरे ये मेरा सबसे अच्छा भक्त है, तथास्तु, जा निर्वाण पहुंचो। क्या वरदान दे सकता है? नहीं, बुद्ध वरदान देने वाला वरदान दाता नहीं है। और बुद्ध ये भी नहीं कि इसने तो मेरा पूजा ही नहीं किया, जाओ इसे हम श्राप देते हैं। श्राप देने वाला भी नहीं, मगर जो शुद्ध चित्त से जो बुद्ध की पूजा करता है उसको फल तो लगता ही है। मगर पूजा भी दो तरह के है, आप लोगों ने इतना धर्म देशना सुना, एक है आमिष पूजा और दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा मतलब जो भगवान बुद्ध के सामने अगरबत्ती मेनबत्ती फूल पुष्प अनेक तरह से फल फ्रूट नैवेद्य खाद्यान्न पैसा हर तरह के सामान रख के जो पूजा करते हैं उसे आमिष पूजा बोलते हैं। मगर प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध ने जो चीज बताया है उसको समझ के व्यवहार में पालन करना, उसे बोलते हैं प्रतिपत्ति पूजा। इन दोनों में से कौन अच्छा है, आमिष या प्रतिपत्ति? प्रतिपत्ति। इसलिए हम बुद्ध वंदना करते समय भी बोलते हैं ना, इमाय तम्मानु धम्म प्रतिपत्तिया। बुद्ध ने जो तम्म का उपदेश दिया है उस तम्म अनुसार तम्म आचरण करके, तम्म अनुसार तम्म आचरण करके बुद्धं पूजे में बुद्ध को पूजा करता हूँ, तम्मं पूजे में तम्म को पूजा करता हूँ, संगं पूजे में संघ को पूजा करता हूँ। बुद्ध धम्म संघ। अभी हमारे बच्चे लोग भी, हाँ जो माँ बाप है अपने बच्चे लोग सुबह शाम, हाँ मेरे जन्मदाता माता पिता बहुत अच्छे बहुत बड़े, वो जैसे तो दुनिया में कोई है ही नहीं करके गाथा द्वारा या वो गाना द्वारा पूजा करते हैं और अनेक तरह से क्या बोलते हैं वो धूप दीप पुष्प चढ़ाते ऐसा ही पूजा करते रहते हैं, मगर कुछ भी बातें नहीं मानते। बेटा ये ना करो, नहीं मानते, ये करो,
नहीं मानते पढ़ाई करो, नहीं मानते पर पूजा कर रहे हैं सुबह शाम। आप बोले आप लोग खुश हो जाएंगे कि नहीं, खुश हो जाएंगे? अरे पूजा तो कर रहा है, अच्छा है मेरा बेटा, खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं, मिला तो चाटा मार देंगे, है ना, खुश नहीं होगा। अगर आपकी बातें सुनते बेटा ये करो, हाँ पापा हाँ मामा करता हूँ, ये ना करो, हाँ ठीक है नहीं करता, अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ ठीक है करता हूँ, यहाँ चलो हाँ ठीक है, यहाँ मत चलो हाँ ठीक है, आज्ञाकारी बने तो माँ बाप भी खुश हो जाते। वैसे ही तथागत बुद्ध को केवल हम पूजा ही करते रहे, पूजा ही करते रहे, जिंदगी भर पूजा ही करते रहे, और बुद्ध के जो वाणी है उसको हम पालन ना करें तो क्या बुद्ध खुश हो जाएंगे? बताइए ना, खुश हो जाएंगे? बुद्ध ने दैनिक जीवन में पालन करने के लिए पांच सील, जिसे हम पंचशील बोलते हैं, पांच सील का उपदेश दिया। सबको पता है पंचशील है ना, पानाति पाता वेरमणि, अर्थ क्या है? प्राणी हिंसा नहीं करना। अदिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मूसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरे मज्जपमा दत्ताना वेरमणि, अम्मल नशापता सेवन नहीं करना। हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले पंचशील प्रार्थना करते हैं, ये जीवन में अच्छे से पालन करेंगे ये संकल्प करते हैं। अभी संकल्प तो करते हैं, क्या वाकई में हम पालन भी करते हैं? क्या हिंसा करते हैं कि नहीं? हाँ, और एक चीज याद रखिए, ये जो पांच सील है ना, जिंदगी के लिए कोई भी अनिवार्य चीज नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि अगर हम किसी को दुख नहीं देंगे मारेंगे तो जी ही नहीं सकते, ऐसा है क्या? किसी का चोरी नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसा है? काम मिथ्याचार व्यभिचार बिना जिंदगी चलता ही नहीं, ऐसा है? हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा है? अमल नशा पता सेवन किए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते क्या? जिंदगी के लिए ये पांचों के पांचों कुछ भी अनिवार्य नहीं है, फिर भी पालन करने में मुश्किल है। जब भी मौका मिले, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका मिलते ही सील भंग हो ही जाता है। तथागत बुद्ध जब एक गांव में पहुंचे थे, वहां के ढेर सारे लोग मिलके बुद्ध से प्रार्थना किया था, वो भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुना, आप तथागत है, आप महामानव है, आप बहुत बड़े हैं, और ये भी सुना हूँ आपके उपदेश सुन के लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि ये जिंदगी कुछ भी नहीं, दुखी दुख से भर पड़ा है, चलो दुख से मुक्त हो जाएंगे, भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाएंगे। सारे लोग आपके पीछे पीछे भिक्षु भिक्षुनी बन के चल देते हैं, पर वो भगवान हमें भिक्षु भिक्षुनी नहीं बनना, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसलिए कृपया करके हमें ऐसा उपदेश दो कि घर में रह के भी हम सुख से शांति से रह पाए, घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति से रहने के लिए ऐसा उपदेश दो। तब तथागत बुद्ध ने यही उपदेश दिया, क्या इस गांव में कोई हिंसा करने वाला है क्या? हाँ बहुत है। क्या हिंसा करने वाला आप लोगों को पसंद है क्या? नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। बोलते हैं अगर खुद को पसंद नहीं है तो खुद भी मत करो, अत्तानं उपमंकत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, न हनैय न घाटय, न किसी को दुख भी मत दो, किसी की जान भी मत लो, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। चोरी करने वाला है क्या? हाँ है। पसंद है? नहीं है तो मत करो। काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला है क्या गांव में? हाँ है। पसंद है? नहीं है तो मत करो। झूठ बोलने वाला है? है। झूठ बोलने वाला पसंद है? नहीं है तो खुद भी मत करो।
अमल नशा पता सेवन करने वाला है? है। पसंद है? नहीं है, तो खुद भी मत करो। ये पंचशील तथागत बुद्ध ने इतने महत्व देके उपदेश दिया है, अगर काल गृहस्थ में रह के भी सुख शांति के साथ रहना चाहते हो, सुख शांति के लिए गृह त्याग करके श्रमण भिक्षु बनना नहीं चाहते हो, तो कम से कम ये पांच सील पालन करो। पांच सील, काल गृहस्थ में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, आनंद भी आएगा, मगर ऊपरी ऊपरी दिमाग से हाँ सब पता है, सब पता है, सब पता है, नहीं मारना, हाँ पता है, पता है, बस पता है कि बीच में ही हम लिमिट रहा ना, उसमें सीमित हो गया तो हम पालन ही नहीं कर पाए, ये भी पता है, वो भी पता है, तो जब भी मौका मिला बिगाड़ते गया, बिगाड़ते गया। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, महसूस करो, रियलाइज करो, और अच्छा है तो तुरंत पालन करो। उसके लिए कोई गुड टाइम बोलते हैं ना, अच्छा शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, ये डेली लाइफ में पालन करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ है। अभी आप ही बोलो ना, आज वर्षावास समापन है, आज पूर्णिमा का दिन है, आज ये प्रवचन मालिका समापन दिन है, चलो आज के दिन अच्छे से शील पालन करेंगे, आज हम किसी को नहीं मारेंगे, कल से मारेंगे, आज हम किसी का चोरी नहीं करेंगे, कल से हम फ्री हो गया क्या चोरी करने के लिए, आज व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से करेंगे, आज झूठ नहीं बोलेंगे, कल से झूठ बोलेंगे, आज नशा पता सेवन नहीं करेंगे, कल से करेंगे, ऐसा होता है? नहीं, कोई भी सील बिगाड़ने वाला हो हमें पसंद नहीं आता, अगर हम भी सील बिगाड़ेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता, इसलिए तथागत बुद्ध ने ये सुख शांति के लिए हमेशा पालन करो ऐसा बोलता है। अभी हम तम्मदेशना सुनने वाले हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने मंगल या महामंगल सूत्र में स्पष्ट कहा है, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पे धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं, समय समय पे धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। और ये मंगल जो बुद्ध ने कहा है ना, केवल आंखों से अच्छी चीज देख के हा कितना अच्छा, कानों से वाह 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 कितना मधुर, हाँ मुंह से वाह कितना स्वादिष्ट, ऐसा क्षणिक सुख या क्षणिक मंगल के विषय में नहीं बोला। तथागत बुद्ध ने जिस मंगल की बातें बोला, मंगल जितना भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल जितना भी दुर्गति या दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको ब्लॉक करने वाला, मंगल ये मानव जीवन में अभी बीच में और अंत में आदि मध्य अंत तक अच्छा करने वाला, वो मंगल बताया। तो धम्मदेशना सुनने से कैसा मंगल होगा? त्रिपिटक ग्रंथ बुद्ध वचन, हाँ त्रिपिटक में पहला सुत पिटक है, सुत पिटक में पांच ग्रंथ है, दीघ निकाय, मजिल निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुठर निकाय, खुदक निकाय। अंगुठर निकाय के एक सूत्र में तथागत बुद्ध ने धम्म देशना सुनने का पांच मंगल बताया है। असुतंग सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग परियोदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा। कंखं वितरति, मन के संदेह, मतलब ये करने से धम्म होगा, वो करने से धम्म होगा, यहाँ जाने से धम्म होगा, वहाँ जाने से धम्म होगा, जो संदेह रहता है ना डाउट, वो क्लियर होगा। दिथिंग उजुंग करोति, ये जो दृष्टि सीधा हो जाता है, मतलब मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है। और पांचवा चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, अच्छे धम्म पे, धम्म तो बहुत सारा है मगर सही धम्म पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है, विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये पांच मंगल है
इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म देशना सुनना मंगल है। अभी आप लोगों ने धम्म देशना बहुत सुना है, धम्म देशना कैसे सुनना है एक उदाहरण आप लोगों को बताता हूँ। एक समय पांते जी धम्म प्रचार प्रसार के लिए एक गांव में पहुंच गया। जैसे ही एक इंसान को पता चला कि वहां पांते आए हैं, उसको खूब धम्म देशना सुनने की इच्छा है, वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते पांते जी के पास गए और बोले, पांते जी मैं धम्म देशना सुनने के लिए आया हूँ, मुझे धम्म देशना कीजिए। पांते जी ने कहा, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे प्यास लगा है। वो उपासक बोलते, पांते जी मैं अभी पानी लेके आता हूँ। वो गया अपने घर के तरफ और वहां जाते जाते वो सोचता रहा, पांते जी को तो प्यास लगा है, फिर पानी ही क्यों, अच्छे से अभी गर्म है ना, अच्छे से एक ग्लास छाछ से बना के देता हूँ, हाँ अच्छे से वो दही का एक छाछ बना के देता हूँ। वो लेके आया, पांते जी के पास आके बोले, पांते जी ये लीजिए। पांते जी बोले, मैं अपने ही पात्र में लूंगा। ठीक है, अपना पात्र लेके आइए। पांते जी एक पात्र लेके आया, जैसे ही पात्र लाया, वो छाछ डालने के लिए ऐसे जैसे हाथ उठाया, देखा तो पात्र पूरा भर पड़ा था। अब भरे पात्र में वो डालेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो बोलते, पांते जी पात्र भर पड़ा है, क्या करो, खाली पात्र लाइए। ठीक है, पांते जी अंदर गया, दूसरा पात्र लाया, देखा खाली है, चलो इसमें डालते। जैसे ही डालने के लिए हाथ उठाते, फिर से रुकना पड़ा। क्यों, क्योंकि देखा पात्र तो खाली है और बहुत गंदा है। अभी गंदे पात्र में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा, वो भी गंदा हो जाएगा। फिर बोले, पांते जी ये पात्र तो बहुत गंदा है, तो क्या करूं, साफ पात्र खाली पात्र लाइए। हाँ ठीक है, पांते जी अंदर गए, फिर दूसरा पात्र लाया, देखा साफ भी है, देखा खाली भी है। अभी इसमें डालता हूं करके जैसे ही हाथ उठाया, फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, पात्र नीचे से छेद है, तो ऐसे जो पात्र बर्तन है ना, वो पात्र में डालेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा नीचे गिर जाएगा। तो उपासक को भी लगा, रे उपदेश सुनने के लिए तो आया, कैसे बनते कि उपदेश सुनने के लिए आया, जो अच्छे से एक पात्र भी नहीं लाते, एकदम वो बेचैनी हो गया। तब पांते जी शांत से बोलते, उपासक आपको धम्म देशना सुनना है ना, आपके लिए यही धम्म देशना है, आपके लिए यही धम्म देशना है। क्या है, क्या है धम्म देशना, जिस तरह भरे हुए पात्र में फिर दूसरा छाछ नहीं डाल सकते, वैसे ही धम्म देशना जो सुनने के लिए आते हैं ना, उसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए कि ये जो भी आके बोले बोलने दो, पंते आके प्रवचन दे देने दो, मुझे पता है ना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे सुनना तो है नहीं, मुझे पालन करना है नहीं, मुझे पता है धम्म क्या है, पाप क्या है और मुझे क्या करना है पता है। ऐसे पूर्वाग्रह रख के अगर यहाँ आते हैं ना, आप एक घंटा दो घंटा या तीन भर रह के भी इतना भी नहीं सुन सकते, सुना तो भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले खाली करो, सामने वाला जो बोलेगा मैं उसे अच्छे से सुनूंगा, अच्छे से धारण करूंगा, फिर अच्छा जो लगते हैं उसे पालन करेंगे, जो समझ में नहीं आते उसको अलग रखेंगे। बुद्ध ने धम्म का उपदेश क्या दिया, सुना था तारे था चरा था धम्म, सबसे पहले सुनो, फिर उसको धारण करो, फिर उसको चिंतन मनन करो, जो अच्छा है जो सही है उसे पालन करो, जो बुरा है
या जो समझ में नहीं आता उसको अलग रखो। इसलिए आप लोग भी तमदेशना सुनने के लिए पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। फिर जिस तरह गंदे पात्र में दूसरा छाछ डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाते, तो उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाओं के मन में क्लेश है, मैल है। मन का क्लेश बोले तो राग द्वेष मोह, ऐसा राग है द्वेष है मोह है, तो कितना भी आप लोग उपदेश सुनो वो भी गंदा हो जाता है, वो भी दूषित हो जाता है। एक राग से विभूषित, एक द्वेष से विभूषित, एक मोह से विभूषित लोगों को कितना भी धम्म की बातें सुनाओ कुछ भी समझ में नहीं आता, उल्टा गुस्सा आता है, उल्टा अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, और भी दूषित हो जाता है। इसलिए राग द्वेष मोह कम से कम ये समय में छोड़ दो, ज्यादा अटैचमेंट रख के कल्पना में मत भागो, इसने ये किया उसने वो किया ऐसा गुस्सा द्वेष ईर्ष्या उससे भी अलग रहो। और मोह बोले तो यहाँ बैठे है पता ही नहीं, सुन रहे पता ही नहीं, मैं यहाँ हूं पता नहीं, घर में हूं पता नहीं, उसे बोलते मोह अज्ञानता। इसलिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए कि धम्म देशना सुन रहा हूं, तो सही मायने में यूटिलाइज भी होगा समय का और कुछ समझ भी आएगा। हाँ, इसलिए राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जिस तरह छेद हुए पात्र में बर्तन में छाछ डालेंगे तो वो भी गिर जाता है, वैसे ही आप लोगों का मन भी छेद जैसा क्या एकदम चंचल हो रहा है, मन यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है, घड़ी की तरफ बार बार देख रहा है, अरे कब से बैठा हूँ अभी 12:30 हो गया, भूख लगने लगा है, अरे खाना खाने जाना है, अरे वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, अरे घर पे क्या चल रहा है, ऐसा वैसा अनेक तरह से मन बाहर जाता है। ये प्रकृति का नियम है, अगर मैं भी सुन के आगे बैठू ना मेरा भी मन बाहर जाएगा, इसमें क्या मन बाहर जाता है, पर लंबे समय तक वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं धम्म देशना सुन रहा हूं, मैं कुछ तो सुन रहा हूं। ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तब जाके आप लोग अच्छे से सुन पाएंगे, नहीं तो बैठा बैठा ये कहता हो गया हाँ धम्म देशना कैसा लगा, साधु साधु बहुत अच्छा लगा, चलो 2 मिनट बोलो उसके विषय में, हाँ ऐसा भी बोलना था पहले ही लिख के लेता। चंचल होके धम्म देशना सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ जाएंगे, तो धम्म देशना ये धम्म देशना सुनने के लिए एकदम सजग और सचेत होके सुनना पड़ेगा। अभी आज के समय में धम्म देशना या भगवान बुद्ध के जो धम्म या बुद्ध वचन क्यों गरज है, क्यों आवश्यक है, तथागत बुद्ध ने एक समय बहुत सारे भिक्षु लोगों को सामने रख के एक नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, हे भिक्षु बताओ मेरे नख में जो धूल है ये ज्यादा है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है, कहाँ ज्यादा धूल है, पृथ्वी पे। सारे भिक्षु लोग बोलते हैं हो भगवान आपके नख में तो थोड़ा ही न्यून ही गौण ही बहुत थोड़ा ही धूल है, सारे पृथ्वी तो धूल ही धूल से परपरा है, इसलिए पृथ्वी में ज्यादा धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे से समझने वाला, अच्छे से समझ के पालन करने वाला, सही मायने में जो ज्ञानी रहता है ना, इस नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सारे के सारे लोग अज्ञानी लोग। इस दुनिया में जो सही करने वाला, जो अच्छे करने वाला और अच्छे करके उसके परिणाम भी अच्छा भुगतने वाला प्राणियां, इस नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सब
पृथ्वी में जितना धोले उतना बुरे करने वाला बुरे जगह पे जाने वाला। मानते हो आप लोग? अभी बुद्धिज्म बोले तो कितना अच्छा धम्म है, विश्व में शांति का संदेश देने वाला, जीवन जीने की कला सिखाने वाला, जीवन जीने की उपाय देने वाला, हर समस्या का समाधान बुद्धिज्म। हम जन्म से लेके अपने आप को बुद्धिस्ट कहते आए ना, फिर भी क्या हम उतना सुखी रह पाया क्या? जिस तरह से तथागत बुद्ध ने मार्ग फल की उपदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश दिया, चलो हम श्रोतापति सकृतागामी अनागामी अरहत फल ना पहुंचे, मगर जो दुख पसंद नहीं है उससे तो थोड़ा हम अलग होना चाहिए, जो सुख पसंद है उसमें तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। क्या उसमें सक्सेस हुआ क्या? हम हुआ हा? हुआ कि नहीं? इतना अच्छा धम्म फिर भी सक्सेस नहीं है, इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने इसको पालन करना जरूरी है, हमेशा बुद्ध ने कहा। एक बार तथागत भगवान बुद्ध के सामने एक गांव में ढेर सारे लोग आके बुद्ध को नमस्कार करते हैं और पूछते हैं, हो भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरु आके अपने अपने धम्म का उपदेश देता है और हर धम्म यही कहता है कि हमारा धम्म ही श्रेष्ठ है, हमारा धम्म ही उत्तम है, हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानर्क में जाओगे। भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, सारे धम्म की बातें हमने सुना है, हम तो कंफ्यूज हो गया। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है, बताइए। तब भगवान बुद्ध ने ये जो अमुक धम्म है वो श्रेष्ठ है उत्तम है, ये जो अमुक धम्म है ये गलत है बेकार है मिथ्या है, ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला तथागत बुद्ध ने। वैसा बुद्ध कहते हैं कोई भी धम्म हो, जो धम्म संसार में दो चीज सिखाता हो, कितना? दो चीज, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम। वो दो चीज क्या? एक दुख, दूसरा दुख मुक्ति। दुख और दुख मुक्ति कोई भी धम्म हो ये दो चीज सिखाता है तो वो धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म उत्तम है। अभी दुख है ना, हमारे जीवन में दुख है ना, है कि नहीं? या कोई है क्या, हाथ उठाइए, मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। हाँ है? नहीं ना। अच्छा एक एक दुख बताइए, क्या दुख है? एक एक पट 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 बताइए एक। क्या स्माइल देके बैठे हो, ऐसा लगता है कि दुख है ही नहीं। तो यही बात है, एक दुख बताने के लिए हम ये सोचते हैं जो दुख करके हमने बताया कहीं वही सुख तो नहीं है, हम खुद में ही डाउटफुल है। अरे एक डॉक्टर भी जब तक शरीर में ये बीमार हुआ है ये पता नहीं करता तब तक अनेक दवा देता रहेगा, जब पता चलता है ना यही बीमार हुआ है एक ही दवा से खत्म। वैसे ही सबसे पहले दुख को तो पहचानो कि दुख क्या है, क्या है एक्चुअल में दुख, तो उसका राह फटाफट मिल जाएगा। पर दुख ही पता नहीं, दुख में ही हम सुख जैसा एकदम, जैसा बोलते हैं ना एक वो खुजाने वाला, वो खुजली वाला एक वो आता है, क्या बोलते हैं खुजाने वाला, वो जो खुजाते समय बहुत आनंद से रिलैक्स जैसा लगता है खुजली करते 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 करते, मगर उसके बाद क्या वहाँ घाव होगा और ज्यादा खुजली होगा और ज्यादा दुख होगा। इसलिए वही दुख में ही हम मजा लेके बैठते हैं और उसको दुख करके क्यों बताए, तो वो दुख से मुक्ति भी कैसे मिलेगा? सबसे पहले एग्जैक्ट दुख क्या है,
तथागत बुद्ध ने सारांश में दुख के विषय में बोला है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, यम पे छंग न लभति तम भी दुखं, पिये ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखो, संकितेन पंचु बाधा नखंडा दुखा। जाति भी दुखा, जन्म होना दुख है, जरा भी दुखा, बुढ़ापा आना दुख है, व्याधि भी दुखो, ये जो बीमार होना दुख है, मरणम भी दुखं, जो मरना, सब कुछ छोड़ के मरना, वो भी दुख है। यम पी छंग न लभति तम पी दुखं, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, वो दुख है। अब सारा इच्छा तो कब पूरा होगा, एक इच्छा पूरा नहीं होता, दस इच्छा और आ जाता है, वो दस इच्छा पूरा हो जाता है तो लाखों इच्छा और आ जाता है, तो इच्छा की लिमिट है ही नहीं, इसलिए इच्छा परिपूर्ण नहीं होता, वो भी दुख। पिए ही उपयोग दुखो, जिसे पसंद नहीं करके बोलते उससे दूर होना दुख। अपिए ही संपयोग दुखो, जो पसंद नहीं कहते उसके साथ में रहना दुख। संक्षिप्त में ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है, ये शरीर की वजह से अनेक दुख। आंखें अच्छा देखना पसंद है, बुरा देखना पड़ा तो वो दुख, अच्छा भी देखते देखते कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं होगा, फिर वो दुख। ऐसे सुनने में, सुगने में, खाने में, स्पर्श करने में, हर तरह से दुख ही दुख। इसलिए सबसे पहले दुख को पहचान करो, फिर दुख मुक्ति, ये दो चीज धम्म सिखाता है, तो वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। केवल पहले से चली आए है, हमारे दादा बाबा के समय से माने आए है, अच्छे गुरु ने बताया है, तर्क संगत है, न्याय संगत है, ऐसा वैसा करके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं चाहिए। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे उपदेश देते, ऐसे बोलते कि सामने वाले का दिल दिमाग बस वही ठीक है, वही ठीक है, इतना भक्त बन जाता है। बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पति लाभो, हम ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, ये दुर्लभ है, दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है। दूसरे जीव जंतु पशु पंछी जैसा नहीं है, हमें ज्ञान है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, कोई भी चीज सही गलत पाप धर्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य, हाँ बुरा करेंगे तो बुरा फल भुगतना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, ये सारे चीज हमको पता है, इसलिए तो हम मनुष्य प्राणी मध्य में सबसे श्रेष्ठ। इसलिए ये विवेक बुद्धि प्रज्ञा से अच्छे से समझ के, अच्छे से छान के ही पालन करना चाहिए। कहते हैं एक विद्यार्थी का परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया तो उसके लिए बड़ी बात है, मगर फिर भी वो दूसरी बार एग्जाम दे सकते हैं। कोई बाहर जा रहा है, एयरपोर्ट में पहुंचते पहुंचते प्लेन भी छूट गया, उसके लिए बड़ी बात है, फिर भी वो दूसरे प्लेन से जा सकता है। मगर एक बार हमारा जीवन गलत राह पे चल के खत्म हो गया तो हो गया। बुढ़ापे में आके अरे मेरा जीवन तो गलत जगह पे है, गलत तरीके से खत्म हो गया, अब एक बार फिर से वो जवानी आ जाए, अभी तो मैं अच्छे राह पे चलूंगा, अभी तो मैं सही धम्म पे आगे चलूंगा, क्या वो समय वापस आ जाएगा? क्या आएगा? जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होता अगर ऐसा आ जाता, बुढ़ापे तक जाते अरे ये तो ठीक नहीं है, फिर रिवाइंड किया, फिर जवानी में आ गया, फिर दूसरे धम्म में जाते, फिर दूसरे। पर ये संभव नहीं है, जो गया वो गया, ये बीता हुआ पल, ये जो अभी पल पल बीत रहा है ना, वो हमारे जीवन से गया, फिर से वही पल वापस आ ही नहीं सकता। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि ये समय को अच्छे से समझ के अच्छे जगह पे पालन करो, तम में आगे बढ़ो। तथागत बुद्ध ने तम को व्यवहारिक रूप में उपदेश दिया, ऐसा नहीं कि ये तम में आएंगे तो ऐसा करो वैसा करो ऐसा वैसा, बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं बोला। तम मनुष्य के लिए है, मनुष्य तम के लिए नहीं है, ये भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा स्वतंत्रता है।
धम्म हमारे लिए, हम धम्म के लिए नहीं है। धम्म नाव समान है, जिस तरह बहुत बड़ा नदी है, सागर है, और हम ऐसे ही तैर के नहीं उधर पहुंच सकता, तो नाव से आराम से पहुंच सकता है। बस धम्म का काम भी नाव जैसा ही है। जीवन में ढेर सारा दुख है, ढेर सारा अनगिनत दुख है, वो दुख से मुक्ति पाना हो, वो दुख से आगे निकलना हो, वो दुख से विमुक्ति सुख में जाना हो, तो धम्म काम आता है। एक उदाहरण मध्यम निकाय के अलगदुपम सूत में एक उदाहरण दिया है, ध्यान से सुनिए। एक इंसान जंगल के राह पे चल रहा था, चलते चलते रास्ता खो गया, क्योंकि जंगल के राह में इतना लोग चलते नहीं, रास्ता दिखते नहीं। अब चारों तरफ पेड़ ही पेड़, जंगल इतना भयंकर कि उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन से दिशा से आया, कौन से दिशा में जाना है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फंस गया वो, जंगल में फंस गया, मतलब बहुत बड़ा खतरनाक है ना, कभी भी कहीं भी कोई भी जानवर आके मार सकता है, अंधेरा हो गया तो जीने का आस ही मारो। अब क्या करे, वो बेचैनी हो के तरफ तरफ के कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। उसका नसीब अच्छा था, भागते भागते जंगल के किनारे पे आ गया, देखा वहां बहुत बड़ा नदी था, नदी के उस पार कोई भी भय नहीं, त्रास नहीं, मगर जिस जगह पे खड़ा है वो जंगल भय और त्रास से परिपूर्ण। अब क्या करे, उस तरफ जाने के लिए वहां कोई फूल नहीं था और तैर के जा नहीं सकता, तो उसने क्या किया, जंगल में यहां वहां से पेड़ पौधे ये वो लगा के एक छोटा सा नाव बना दिया। अभी वो नाव में बैठ के किनारे पे पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अरे कितना भयावह, कितना भय त्रासपूर्ण वो जंगल, कभी भी मैं मर सकता था, वो छोड़ के मैं इस किनारे पे आ गया, अभी मुझे कोई भय नहीं, कोई त्रास नहीं। ये सब किसकी वजह से हुआ, ये नाव की वजह से हुआ। अब बताओ, ये नाव ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया, करके जहां जहां जाते वहां वहां नाव को अपने कंधे पे लेके जाएंगे क्या, या खींच खींच के लेके जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं, क्या करने से अच्छा रहेगा, इसने मुझे उपकार किया करके नाव को खींच खींच के लेके गया, वह कंधे पे लेके चल पड़ा, तो उसकी वजह से तुरंत उसका प्राणी निकल जाएगा, मर जाएगा वो। नाव जैसे मुझे उपकार किया, दूसरों को भी उपकार करे करके जहां है वहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। धम्म यही है, नाव समान दुख मुक्ति के लिए है ये धम्म। धम्म को कंधे पे रख के, सर पे रख के, एक दूसरे पे झगड़ा करने के लिए नहीं। अरे हमारे धम्म को क्या बोला, आओ रास्ते में, आओ मैदान में, हम दिखाते करके और झगड़ा करके और प्रॉब्लम क्रिएट करके जिंदगी जटिल बनाने के लिए नहीं है, दुख मुक्ति के लिए धम्म है। समझ में आए ना धम्म, तो व्यवहारिक धम्म बुद्ध ने कैसे बताया। एक बार भगवान बुद्ध ढेर सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को उपदेश दे रहा था, उसमें से एक मालुक के पुत्र भिक्षु खड़ा हो गया और बुद्ध से पूछने लगा, भव भगवान, इस संसार का उत्पन्न कब हुआ, इस संसार का विनाश कब होगा, हमारा पूर्व जन्म कहाँ से शुरू हुआ, पुनर्जन्म कहाँ खत्म होगा, ऐसा ऐसा प्रश्न करने लगा। तब तथागत बुद्ध ने वही भिक्षु को बोला, हे भिक्षु, मैं तुमसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनो। ये तथागत भगवान बुद्ध का टेक्निक है, मेथड है, कोई किसी ने भी प्रश्न पूछा और उसका जवाब दिया ऐसा नहीं है, कोई प्रश्न करता है समय देख के जवाब देना है तो जवाब देता है,
छोटे में जवाब देना है तो छोटे में, मिडल में जवाब देना है तो मिडल में, लॉन्ग बड़ा करके व्याख्या करके बताना है तो व्याख्या करके, और कभी कभी अनेक एग्जाम्पल अनेक उदाहरण देके भी समझाते हैं, और कभी कभी प्रति प्रश्न उसी से प्रश्न करके भी समझाते हैं। ये सारा जो टेक्निक है समझाने के लिए ही है। तो वो भिक्षु को भी बोलते हैं, मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनो। बुद्ध कहते हैं, कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहा था, कहीं से एक बाण आ गया, उसके छाती पे लग गया, घाव हो गया, गिर पड़ा, तड़पने लगा, ऐसा तड़पने लगा कि उसका ज्ञान ही निकल जाएगा। कोई एक भले इंसान वहीं से चल रहा था, देखा कि उसको बाण लगा है, ये मर न जाए, तो जल्दी जल्दी वो जाके चलो इसका बाण निकाल देता हूँ, मलम पट्टी लगा के देता हूँ, ऐसा करके वो बाण निकालने के लिए आगे बढ़ा। तभी वो जो घायते इंसान है वो बोलेंगे, ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, और वो मारने वाला का नाम क्या है, गोत्र क्या है, वो कहाँ रहता है, कौन से गांव में रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है, माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, काका है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, अनेक अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या वो बाण निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे पहले बाण निकाल के मलम पट्टी करना चाहिए, इतना तो समझ सबको है। अगर बाण निकाले बिना, मलम पट्टी किए बिना अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा, वो प्रश्न खत्म नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिंदगी में अनेक तरह से दुख, अनेक अनेक दुख है, सबसे पहले वो दुख को नाश करो, वो दुख खत्म करो। ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, ये विनाश कब होगा, पूर्व जन्म कहाँ से, पुनर्जन्म कहाँ तक, अरे इतना पीछे पीछे लग जाएंगे, जिंदगी खत्म होगा, ये प्रश्न खत्म नहीं होगा। और जान भी लिया सो व्हाट, क्या हुआ, संसार का उत्पत्ति कैसे हुआ, साइंस ने उसको जान लिया, क्या वो साइंटिस्ट श्रोतापति फल में पहुंच जाएगा, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, दुखमुक्त हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं। इसलिए जिस तरह हम घर से बाहर निकलते हैं ना, निकलते समय कहीं से बच्चे खेलते खेलते एक थोड़ा सा घू, क्या बोलते हैं, जो टॉयलेट है ना, थोड़ा सा वो पत्थर से लग के एक छीता हमारे हाथ पे लग गया, तो क्या करते हैं, जाने तो ये अभी मुझे बहुत घाई पड़ा है, बिजी हूँ मैं, पहले सारा काम करके आता हूँ, फिर जाके लास्ट में ये टॉयलेट धोता हूँ, ऐसा करके वो बाहर जाता है या पहले इसको साफ करते है, जबकि वो ठोरा ही है, दिखता भी नहीं, खुद को ही बास आता है, दूसरों को नहीं आता, फिर भी पहले वो साफ करता है। ये तो मैं खुद एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ। तथागत बुद्ध का एग्जाम्पल कैसा है, संयुक्त निकाय में बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से हमारे सर पे आग लगाओ, सर पे आग लगाओ, तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, आग बुझाना या नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरा ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वो वहाँ जाना है, सारा काम निपटा के मैं आराम से ये आग बुझाऊंगा, ऐसा करके सारा काम करना चाहिए या आग बुझाना चाहिए, प्रायोरिटी क्या है, आग बुझाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, सबसे पहला प्राथमिकता जो है आग बुझाना है, दुनिया भर के काम करके नहीं बैठना। वैसे ही हमारे जीवन का पहला टारगेट, पहला प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है, दुख मुक्ति होना चाहिए। बाकी सब जीने के लिए कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या, ये सेकेंडरी चीज है, वो जीने के लिए सही है, आवश्यकता है, सहायक है, मगर मेन जो टारगेट है दुख मुक्त होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के व्यवहारिक उपदेश है। एक चीज
तथा वे भगवान बुद्ध के सामने शुभ मानवक आके बुद्ध से प्रश्न करता है। ध्यान से सुनिए, बुद्ध से प्रश्न करता है, हो भगवान, इस दुनिया में मनुष्य मनुष्य होकर एक समान क्यों नहीं है? मनुष्य बोले तो सारा एक समान होना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं है? कोई बहुत ही धनवान है, पैसे वाला है, और कोई इतना गरीब के मांग मांग के खाता है। मनुष्य मनुष्य होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत लंबे समय तक जीता है, 80, 90, 100 साल, और कोई इतना अल्पायु कि माँ के पेट में ही मरता है या बचपन में ही मर जाता है। मनुष्य मनुष्य होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान है, और कोई इतना मूर्ख अज्ञानी, मनुष्य मनुष्य होके एक समान क्यों नहीं? कोई इतना दीर्घ रोगी, ये बीमार वो बीमार चालू ही रहता है, और कोई देखो बीमारी मुझे पता ही नहीं, कभी थोड़ा थोड़ा हुआ, इतना बीमार होता नहीं, इतना निरोग क्यों? कोई उच्च जात में जन्म होते ही हजारों लोग सलामी देता है, और कोई इतना नीच, जन्म होते ही कूड़े पे फेंका जाता है, नल पे फेंका जाता है, कहाँ कहाँ पे फेंका जाता है? मनुष्य मनुष्य होके एक समान क्यों नहीं है? तथागत बुद्ध जवाब देते हुए बताते हैं, सबे सत्ता कम सका कम योनि कम बंधो कम पति शरणा यं कम करी संति कल्याणंगवा पापकंगवा तस्सदायादा भविष्यन्ति। ये पाली तथागत बुद्ध के समय में, जैसे हम हिंदी मराठी इंग्लिश बोलते, उस समय में मागधी या पाली भाषा प्रयोग करते थे, और बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किया वही शब्द हम बोलते हैं। उसका व्याख्या या मीनिंग मैं अपने हिसाब से दूंगा, दूसरा बोलेंगे तो अपने हिसाब से, मगर मूल जो बुद्ध वचन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। बुद्ध का जवाब क्या था? सबे सत्ता कम सका, ये जो जितना भी हो रहा है कर्म की वजह से, कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, जो वाणी से करते हैं, जो मन से करते हैं, काम बोले तो या अच्छा काम या बुरा काम, अच्छे काम को कुशल कर्म, बुरे काम को अकुशल कर्म, वो हम शरीर से करते हैं, तीन द्वार से, शरीर वाणी मन से, और जो अच्छा करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आता है, जो बुरा करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आता है। तो बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम सका कम योनि कम बंधो, जितना भी हो रहा है कर्म की वजह से हो रहा है, कर्म की वजह से ही हमारा अच्छे बुरे जगह पे जन्म होता है, कर्म ही हमारा अपना है, जो अपने न्याति कहते हैं ना, वो कर्म ही है, कर्म आपका आचरण अच्छा रहा सब अपना, आचरण अच्छा नहीं रहा तो भाई भाई भी अलग। कम पति शरणा, हम बोल देते बुद्ध धम्म संघ के बिना शरण हमारा कोई और नहीं, बुद्ध धम्म संघ ही हमारा शरण है, शरण तो हम लेते, मगर बुद्ध कहते उसमें भी सबसे अच्छा जो मेन शरण है कम्म पति शरणा, कम्म का ही शरण है। आप बुद्ध धम्म संघ का कितना भी शरण में जाते रहो, अगर चरित्र अच्छा नहीं रहा, कर्म अच्छा नहीं रहा, कुछ होने वाला नहीं है। दुख से मुक्त होना है, खुद का कर्म ही अच्छा करना है, जीवन में सुख पाना है खुद का कर्म ही अच्छा करना है, इसलिए कम्म पति शरणा। यं कम्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणंगवा पापकंगवा, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, तस्स दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है। यादि संगोपते बीजं, जिस तरह से
जैसा अन्न हम पृथ्वी पे बोएंगे वैसा ही फल फलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप अच्छे धम्म कर्म कर रहे हैं और आपको आपकी बुरा चाहने वाले हजारों लाखों लोग मिलकर प्रे कर रहे हैं कि भो भगवान वो हमें पसंद नहीं, वो तो दुर्गति में जाए, महानरक में जाए, कौन जीतेगा? वो हजारों लाखों लोग जो प्रार्थना कर रहा है वो सक्सेस हो जाएगा, या जो एक इंसान अच्छा कर रहा है वो सक्सेस हो जाएगा? अच्छा कर रहे अच्छा ही होगा। कोई बुरा चाहने वाला हजारों लाखों मिलके प्रार्थना करेंगे तो भी बुरा संभव नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे, बुरा कर रहे, अकुशल कर्म कर रहे, जितने भी पाप है वो सब कर रहे, और मैं तो इतना धनवान हूँ, इतना सेठ हूँ, मेरे अंदर इतने नौकर चाकर काम करने वाला है, सबको लगा दिया, जाओ प्रार्थना करो कि मैं सुगति में जाऊँ, मेरा अच्छा हो, कल्याण हो, प्रार्थना करते रहो, और सबको पैसा बांट दिया कि मेरा प्रार्थना करते रहो मैं सुगति में जाऊँ, तो हजारों लाखों लोग मिलके भी क्या वो सुगति पहुँच सकता है क्या? क्या उसका परिणाम अच्छा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने कर्म ही बुरा किया है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने हमेशा अपना कर्म अच्छा करो, शुद्ध करो, ये उपदेश दिया है। ये ना देखो कि दूसरों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, ये देखो खुद ने क्या किया है खुद ने क्या नहीं किया। दूसरों का देखता रहेंगे तो मन में ईर्ष्या आएगा, द्वेष आएगा, क्रोध आएगा, उससे और पाप बढ़ेगा, उससे और दुख बढ़ेगा। अगर खुद का ही देखेंगे, भले ही आज हम थोड़ा सा पाप से अलग रह जाएंगे या थोड़ा सा धम्म के आगे जाएंगे, मगर थोड़ा 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 करके भी बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है, बहुत बड़े पाप से अलग हो सकता है। बूंद बूंद पानी जमा होके बड़े बड़े घड़े बन जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य भी बहुत बड़ा सुख का कारण बन सकता है, थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। इसलिए ये तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश है, अपना कर्म हमेशा अच्छा रखो। तथागत भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें कंठस्थ करके, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें दूसरों को भी लेक्चर देते देते रहेंगे, मगर कुछ भी पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह मालक का वो गाय चराने वाले कहाँ कहाँ जंगल में, पहाड़ों में कहाँ कहाँ जाके गाय चराते हैं, मगर जब दूध पीने का समय आता है मालक पीते हैं, वो नौकर को नहीं मिलता। तो वैसा ही गाय चराने वाला जैसा हो जाएगा। अगर धम्म सुनते हो, विद्वान बनते हो, लोगों को सिखाते भी हो, मगर पालन नहीं करते हो, तो इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। चाहे थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों ना हो, उसे जानो, उसे समझो, उसे पालन करो, सही मायने में वही धम्मचारी रहता है, सही मायने में वही अच्छा इंसान रहता है, सही मायने में वही दुख मुक्ति के तरफ आगे बढ़ सकता है। इसलिए ज्यादा सुन के ज्यादा विद्वान बनना ये हमारा टारगेट नहीं है, जितना सुने जितना समझे उसको अभ्यास करना हमारा टारगेट है। और एक चीज ये भी है, तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन भर जो उपदेश दिया 84,000 धर्म स्कंद त्रिपिटक में संरक्षण किया है। अभी सारा त्रिपिटक की बातें पढ़ते रहो, जानते रहो, सीखते रहो, ये टारगेट नहीं है। जिस तरह हम डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं
या दिमाग में जाते हैं ना, दिमाग में घूमते हैं, कितना बड़ा दुकान है, हर तरह के सामान मिलता है। हम वहाँ जाके ये बोल सकते क्या, अरे ये तो काम का ही नहीं, क्यों बेकार में रखा, ये भी काम का नहीं, क्यों ये दिमाग में रखा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं नहीं, सब काम की चीज ही रखे। तो काम की चीज रखे करके हम क्या फिर सारे के सारे तरफ भर भर के लाते हैं क्या? लाते हैं? आप लोग जाते हैं तो कितना खरीद के लाते हैं? जितना चाहिए उतना, उसमें भी सेलेक्ट कर करके एक झोला, हाँ एक झोला भर के, या जितना चाहिए उतना ही लेके आते। वैसे ही तथागत भगवान बुद्ध ने अथा धम्म का उपदेश दिया है। सारे धम्म का, धम्म की बातें जानते रहो, सीखते रहो तो जिंदगी निकल जाएगा। इसलिए जितना सुनो, जितना समझो, अभ्यास करते आगे बढ़ो, आचरण करते आगे बढ़ो, तो ये जीवन सुखमय बनेगा, शांतमय बनेगा। इसलिए ये जो धम्म है ना, जीवन जीने की कला, जीवन जीने की उपाय, चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे एक घर गृहस्थ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी करने वाले हो, हर इंसान के लिए इतना ही जरूरी है जितना बुद्धिस्ट लोगों को है। ये केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए लिमिट धम्म का उपदेश नहीं है कि बुद्धिस्ट लोगों को ये दिया तो ये अच्छा है, बाहर के किसी को काम ही नहीं है, ऐसा नहीं। आप है, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, हर किसी को जलाता है। बुद्ध का धम्म भी वैसा ही, हर किसी के लिए उतना ही कामदायी है। इसलिए इतना अच्छा उपदेश को जीवन में जान सके, सुन सके। बुद्ध का जीवन दुर्लभ है, बुद्ध का उपदेश दुर्लभ है, इतना दुर्लभ उपदेश को जाने समझे। ये धम्म उस समय भी उतना ही आवश्यक है, आज के समय में भी उतना ही आवश्यक है, और आगे जाके भी उतना ही आवश्यक रहेगा। अगर सही मायने में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो इसलिए धम्म को समझे, जाने, व्यवहार में पालन करें, और दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हुए बुद्धानुभावेन, धम्मानुभावेन, संघानुभावेन आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए साधु साधु साधु, आशीर्वाद देते हैं। सबेतियो विवसंतो, सबरोगो विनाशतो, माते भवतु अंतरायो, सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सबमंगलं रखन्तु सबदेवता, सबबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सबमंगलं रखन्तु सबदेवता, सबधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सबमंगलं रखन्तु सबदेवता, सबसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेततो, सबे पुनेन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा, आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु।